हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ मेबलिन फिट मी पाउडर फाउंडेशन का रिव्यू। अगर आप इस पाउडर फाउंडेशन को लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में आके बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आगे तक देखें। मेरा इसमें शेड है 330 टॉफी। इसमें टोटल आते हैं 7 शेड्स। इसकी MRP 600 रुपीज़, बट मैंने ये नायका से सेल के टाइम पे 300 रुपीज़ का लिया था, जो कि काफ़ी अच्छी डील है, हाफ प्राइस में मुझे मिल गया। इस पर लिखा है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए SPF 32 मिलता है और इसकी एक्सपायरी डेट है 2021। मेरा मेबलिन फिट मी फाउंडेशन में शेड है नेचुरल बफ। इसमें मेरा शेड है 330 टॉफी, जो कि 2 शेड डार्कर है। तो आपका जो भी फाउंडेशन में शेड हो उससे 2 शेड डार्कर ही आप ये पाउडर फाउंडेशन लें। पीछे से ये ऐसा दिखता है, आगे से ऐसा दिखता है। बहुत ही स्लीक पैकेजिंग है इसकी। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का मिरर मिलता है, ये स्पॉन्ज पे मिलता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का है पाउडर फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए। आप नायका ऐप पर या बाकी ऐप पर देखेंगे तो ये शेड 330 टॉफी थोड़ा डार्क नज़र आएगा, तो आपको लगेगा कि आपको सूट नहीं करेगा, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना लाइट है। ये स्पॉन्ज जो हमें दिया गया है उसकी हेल्प से मैं अपने फेस के राइट साइड पे पाउडर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी और मैं अपने लेफ्ट साइड पर अप्लाई करूंगी मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट इन द शेड शेल। फिर हम देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पाउडर फाउंडेशन को मैं एज अ कंसीलर भी अपनी अंडर आईज पे और आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। आप ज़्यादा रब करेंगे, जो पाउडर फाउंडेशन आप ऑलरेडी अपने फेस पर अप्लाई कर चुके हैं वो थोड़ा सा हट जाएगा। इसने थोड़ी कवरेज तो दी है बट ये वाइट टोन में, येलो टोन में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमारी इंडियन स्किन टोन येलो टोन होती है। इसे मैंने पाउडर फाउंडेशन अप्लाई किया था, यहाँ से क्लीन है, यहाँ से मैं मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी। पाउडर फाउंडेशन ये क्लेम करते हैं कि माइक्रो वेलवेट पाउडर स्मूदन्स एंड रिफाइन स्किन फिनिश। मैं थोड़ा सा ऐसे टच करके देखूँ, ऐसे मुझे तो ज़्यादा डिफरेंस कुछ लग नहीं रहा है, मुझे तो सेम ही लग रहा है। सेकेंड ये क्लेम करते हैं ब्लरिंग पिगमेंट्स वैनिश पोर्स एंड कंट्रोल ऑयल। मेरी ड्राई स्किन है, मेरी ऑयली स्किन है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बट टी जोन पर मैं देखूँ तो मुझे तो दोनों सेम ही लग रहा है। यह है पाउडर फाउंडेशन की साइड, यह है मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट इन द शेड शेल की साइड। आप देख सकते हैं कि ये दोनों कितनी ज़्यादा 19-20 सिमिलर लग रहा है। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा और कॉम्पैक्ट अच्छे से अप्लाई करूँगी तो बिल्कुल पाउडर फाउंडेशन का ही वो काम करेगा। तो जब भी इतनी कवरेज पाउडर फाउंडेशन दे नहीं रहा तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप ना लो। मैंने तो आपको दिखाने के लिए लिया था। इसके रिव्यूज़ पता नहीं क्यों नायका ऐप पर इतने अच्छे थे, बट मुझे तो ये कुछ खास ज़्यादा लगा नहीं। इससे अच्छा तो आप किसी कॉम्पैक्ट में इन्वेस्ट करें, जैसे कि ये कॉम्पैक्ट है या बाकी कोई अच्छा कॉम्पैक्ट है। सो गाइस, मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आगे और न्यू प्रोडक्ट का आपको रिव्यू दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।